हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फिक्स एसेट की परचेज एंट्री अपने सिस्टम में कर सकते हो। अगर आपने भी कोई फिक्स एसेट परचेज करी है तो उसकी आप अपने सिस्टम में एंट्री कैसे करोगे, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फिक्स एसेट हमारी होती क्या है। फिक्स एसेट हमारी वो एसेट होती है जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए जो है अपने बिजनेस में परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट होगा, या फिर लैपटॉप, पीसी, कुछ भी हम ऐसा खरीदते हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं अपने बिजनेस में, तो उसको हम फिक्स एसेट बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये सब लाइव करके दिखाने वाला हूँ। हम जो है एक फिक्स एसेट का इनवॉइस लेंगे और उसकी हम एंट्री जो अपने सिस्टम में करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, उसके बाद वाउचर पे आना है, एंटर प्रेस करना है। राइट साइड में आपको जो है परचेज वाउचर देखने को मिलेगा, उस पे आके आपने सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने जो है सप्लायर इनवॉइस नंबर देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनवॉइस ओपन कर लेता हूँ फिक्स एसेट जो हमने परचेज करी है उसका। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 144 जो है मेरा इनवॉइस नंबर है परचेज का, जो मैंने परचेज करी है। तो यहाँ पे आपने सिंपली वो नंबर डाल देना है, उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आप डेट वाले कॉलम पे आ जाओगे तो आपने सिंपली जो है डेट देख लेनी है, किस डेट को आपने परचेज करी है, तो यहाँ पे वो डेट आपने डाल देनी है। राइट साइड में भी आपको डेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपने सेम डेट रखनी है, तो F2 से आपने इसको जो है यहाँ से सेम डेट कर लेना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको पार्टी अकाउंट नेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जिससे भी आपने अपनी फिक्स एसेट परचेज करी है उसका सिंपली आपने लेजर क्रिएट कर लेना है। अगर आपने नहीं क्रिएट किया हुआ तो यहाँ पे मैंने लेजर क्रिएट किया हुआ नहीं था, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्पेस बार प्रेस करता हूँ और क्रिएट वाला ऑप्शन पे आके मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, क्योंकि मैंने जो है नेम ये कॉपी कर लिया था। कॉपी करने के लिए आपने क्या करना है, इनवॉइस पे जाके नेम सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है, और पेस्ट करने के लिए आपने कंट्रोल वी प्रेस कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड आपको मेंटेन बिल बाय बिल एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आपने तभी यस करना है अगर आप बिल बाय बिल अपने लेजर को मेंटेन रखना चाहते हो। उसके बाद एड्रेस में आपने इसका प्रॉपर एड्रेस डाल देना है, जो भी आपके इनवॉइस पे है वो एज इट इज़ आपने जो है अपने लेज़र के अंदर भी एड्रेस डाल देना है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी का यूज़ करता हूँ। कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर लेता हूँ उधर से इनवॉइस से, और कंट्रोल वी मैं टैली में आके जो है पेस्ट कर देता हूँ इसको। उसके बाद जो जो भी डिटेल इसमें बचती है वो आपने कम्प्लीटली फिल कर देनी है। स्टेट आपने ध्यान से डालनी है, जो जिस भी स्टेट से आपने परचेज करी है वो स्टेट यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मेरी हरियाणा थी तो मैं हरियाणा ही यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। पिन कोड भी आपने यहाँ पे प्रॉपर डाल देना है, तो यहाँ पे मैं पिन कोड डालता हूँ। उसके बाद एंटर एंटर प्रेस करता हूँ। अगर आपकी पार्टी के पास GST नंबर है तो आपने रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। अगर GST नंबर नहीं है तो और भी वहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे उनको फिल कर लेना है। तो मेरी पार्टी के पास GST नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आपने GST नंबर उसका डाल देना है और यहाँ से इस लेजर को आपने सेव कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ डिटेल देखने को आपको मिल जाएगी, तो ये डिटेल सारी की सारी आपको आपके इनवॉइस पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आपने सिंपली देख के इसको चाहे आप कॉपी कर लेना या फिर आप लिखना चाहो तो आप इनको लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेजिग्नेशन में बिलासपुर डाल देता हूँ। उसके बाद मोटर व्हीकल नंबर में जो है जिस भी मोटर व्हीकल के थ्रू आपका फिक्स एसेट आया है तो वो आपने यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे हमने लैपटॉप लाए थे तो हम बाइक से ही ले आए थे, तो यहाँ पे मैंने उसका बाइक का नंबर डाल दिया। उसके बाद आपने एंटर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको परचेज लेजर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास पहले से है तो ठीक है, नहीं तो आपने क्रेट पे आके एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है आपने परचेज। उसके बाद अंडर इसको आपने डाल देना है परचेज अकाउंट के, यहाँ पे इस ऑप्शन को आपने नोट एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद GST एप्लीकेबल पे आपने यस प्रेस करना है और यहाँ पे आपने जो है डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ है वो उसका आप नाम दे सकते हो, जैसे लैपटॉप हमने परचेज किया था। उसके बाद यहाँ पे हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपने अगर बाहर से किसी दूसरी स्टेट से परचेज किया तो इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल आपने लेना है। अगर आपने लोकल किसी पार्टी से वो एसेट परचेज करी है तो आपने यहाँ पे परचेज टैक्सेबल ले लेना है। तो ये मैंने हरियाणा से हरियाणा में परचेज करी थी, तो यहाँ पे मैं परचेज टैक्सेबल ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, GST का रेट डाल देना है जितना भी आइटम की आप मशीनरी परचेज़ कर रहे हो या फिर कोई भी आप फिक्स एसेट परचेज़ करते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने गुड्स सेलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव कर देना है। उसके बाद कुछ बंदे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में उस फिक्स एसेट का नाम डाल देते हैं जो भी उन्होंने परचेज़ करी है, तो आपने ये गलती नहीं करनी है। इसके लिए आपको जो है एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे आके आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है। एंड ऑफ लिस्ट का एक यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आने के बाद आपने स्पेस बार प्रेस करना है, उसके बाद क्रिएट पे आना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ से आपने उस फिक्स एसेट का नाम लिख देना है जो भी आपने परचेज़ करी है। जैसे हमने जो है HP का लैपटॉप परचेज़ किया है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे HP लैपटॉप लिख देता हूँ।
वहाँ पे उन्होंने कोड वगैरह कुछ और भी दिए हुए हैं, तो आप जो है अपनी फिक्स एसेट का सिर्फ नाम लिख सकते हो। उसके बाद अंडर में आपने इसको जो है फिक्स एसेट के डाल देना है, और यहाँ पे GST अप्लीकेबल को आपने यस करना है, क्योंकि इस पे जो है 18% GST है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप यस करोगे। डिस्क्रिप्शन में आप फिर से यहाँ पे दे सकते हो जो भी आइटम आप परचेज कर रहे हो, जैसे मैंने लैपटॉप परचेज किया तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैपटॉप। उसके बाद HSN कोड जो है आपको आपके इनवॉइस से देखने को आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपने इसको सिंपली या तो कॉपी कर लेना है या आपने लिख देना है। तो ये जो है प्रोडक्ट की पहचान कराता है, जैसे रोल नंबर होता है हमारा क्लास में, तो उसी तरह से जो है ये HSN कोड हमारा होता है, जिससे हमें पहचान होती है कि इस लैपटॉप का ये कोड है। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपने फिर से उसी तरह सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपने लोकल परचेज किया है तो परचेज टैक्सेबल ले लेना है, तो मैंने लोकल परचेज किया था। उसके बाद यहाँ पे आपने नेम ऑफ गुड्स में आपने कैपिटल गुड्स ले लेना है, और टैक्स जितने भी परसेंट उस आइटम पे टैक्स लगता है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। जैसे 18% टैक्स इस पे लग रहा है तो मैं यहाँ पे 18% ले लेता हूँ। यहाँ पे आपने जो है गुड्स सेलेक्ट कर लेना है और एंटर जो है यहाँ पे प्रेस करते जाना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये लेज़र भी आपका जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट अमाउंट के अंदर जाना है और जितनी भी टैक्सेबल अमाउंट उसकी फिक्स एसेट की है आपकी, तो वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। जैसे 40,000 रुपये जो है इसकी टैक्सेबल अमाउंट है, तो मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दो लेज़र हम और क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है GST के लेज़र क्रिएट नहीं थे, इसके लिए मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट पे आके एंटर प्रेस करता हूँ, और सबसे पहला लेज़र हम क्रिएट करते हैं CGST इनपुट 9%, क्योंकि ये जो है हमारी पार्टी वो लोकल की है, तो उस पर दो टैक्स लगेंगे, CGST और SGST। उसके बाद इसको GST के अंडर लेता हूँ मैं, और सेंट्रल टैक्स यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, GST रेट सेलेक्ट करता हूँ, और एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। इसी तरह से हम दूसरा लेज़र भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ SGST इनपुट, उसके बाद स्पेस बार प्रेस करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9%, एंटर प्रेस करता हूँ, इसको भी अंडर लेता हूँ मैं GST के, और यहाँ पे जो है टैक्स में इसको स्टेट टैक्स ले लेता हूँ, टैक्सेबिलिटी परसेंटेज में 9% लेता हूँ, और एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है CGST SGST दोनों टैक्स जो है हमारे इस पे एप्लीकेबल हो चुके हैं, जो कि हमारे इनवॉइस पे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे 47 जो है 200 का वो हमने लैपटॉप परचेज किया था, जिसकी वैल्यू जो है एग्जैक्ट हमारे परचेज बिल के साथ मैच कर चुकी है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पे आना है आपने, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से ये बिल जो है वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है फिक्स एसेट की परचेज एंट्री अपने सिस्टम में कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।